हाँ जी जनाब, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं मेरे प्यारे प्यारे बच्चे? बहुत बढ़िया। सिलेबस जोर शोर से चल रहा है ना? हाँ, मैं बता दूं सीएस एग्जीक्यूटिव वाले बच्चों, तुम लोग का कितना सारा मैराथन, सारी सब्जेक्ट का मैराथन हो चुका है। खाली ईबीसीएल का आना बाकी है, वो इस सैटरडे आ रहा है, इस सैटरडे यानी परसों ईबीसीएल का मैराथन भी आ रहा है। और सीएस प्रोफेशनल वाले बच्चों, कल से तुम्हारे हर सब्जेक्ट का मैराथन डेली चालू हुआ है, ऑल्टरनेटिव डेज। यस्टरडे वाला वीडियो देख लेना, उसमें पूरा शेड्यूल दिया हुआ है। ओके सर, अभी हम लोग क्या करने वाले हैं? अभी हम लोग सर करने वाले हैं सेबी का डीलिस्टिंग ऑफ इक्विटी शेयर का जो नया रेगुलेशन आया ना 2021 का, वो हम लोग करने वाले हैं। मेरा गारंटी, आप खाली क्लास देखोगे, आपको फिर घर में पढ़ने का दरकार नहीं पड़ेगा। आपको मैं क्लास में इतना बढ़िया से कंसेप्ट समझा दूंगा, याद भी करवा दूंगा, रिविजन भी करवा दूंगा, कि आपको फिर से कॉपी किताब खोलने का दरकार नहीं पड़ेगा। ये मेरा गारंटी। सर, सेबी डीलिस्टिंग ऑफ इक्विटी शेयर रेगुलेशन 2021 में सर कितने क्लासेस लगेंगे? टोटल आई वुड बी टेकिंग टोटल 2 सेशंस ऑन इट। आज का सेशन 1 घंटा करेगा, नेक्स्ट सेशन जो है वो भी लगभग 1 घंटा करेगा। सर इतना कम टाइम में, कम टाइम नहीं, बेस्ट टाइम है। मैंने आपका 1-2 घंटा बचा लिया है, नॉर्मली 4 घंटा लगता, 2 घंटा में कैसे हो जाएगा। मैं जो आपको नोट्स लिखवाता हूं वो ऑलरेडी मैंने आपके लिए रिटन नोट्स, हैंड रिटन नोट्स बना लिए। ये देखो, इंस्टीट्यूट के किताब में टोटल 15 पेजेस का रेगुलेशन है, 15 पेज का पूरा इंस्टीट्यूट मैट पढ़ेंगे, लेकिन हैंड रिटन नोट जो है ना वहां से राइट, पूरा का पूरा हैंड रिटन नोट जो है आपके लिए कवर हो जाएगा। ये सीएस एग्जीक्यूटिव के एसएलसीएम के पेपर में और सीएस प्रोफेशनल वाले बच्चों के फंडिंग के पेपर में पूछा जा सकता है, ठीक है? तो भाई इग्नोर मत करना, 2 सेशन का टॉपिक है। आज 1 सेशन लेंगे 1 घंटा का, फिर परसों लाइव सेशन लेंगे 1 घंटा का, 1.5-1.5 घंटा का, तुम्हारे वाला चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर है ना बेटा? तो गाइस फटाफट आ जाओ, फटाफट आ जाओ गाइस, फटाफट आ जाओ। गजंश बिल्कुल नहीं बेटा, शायद तुम्हारा कोई गलत फहमी हुआ है, ये सब टॉपिक्स कवर है, तुम्हारे ड्राइव पर है। अगर तुमने नहीं देखा तो बेटा एक बार देख लेना, ठीक है? चलो गजंश, तुमको कोई गलत फहमी हुआ बेटा, तुम ईमेल कर दो, तुम्हारे ड्राइव पर शायद वाला क्लास नहीं गया होगा, तो आ जाए, गया होगा 100%, तुमने ही नहीं देखा होगा। डिलिस्टिंग फंडिंग में किस चैप्टर में? अलग से कोई चैप्टर में नहीं है, बट इंस्टीट्यूट जो है ना नया रेगुलेशन है, पूछ सकता है। और एसएलसीएम में तो अलग से चैप्टर है, सीएस एग्जीक्यूटिव में तो एसएलसीएम में एक अलग से चैप्टर है भाई, सेबी डिलिस्टिंग ऑफ इक्विटी शेयर रेगुलेशन 2021। बहुत प्यार से पढ़ाने वाले हैं, खुश हो जाओ और एक पॉजिटिविटी क्रिएट कर दो वीडियो को एक अपना लाइक बटन दबा करके। ओके चलो स्टार्ट करते हैं गाइस, स्टार्ट करते हैं। सर ये हैंड रिटन नोट्स कहां मिल जाएंगे? ये हैंड रिटन नोट्स आपको मिल जाएंगे हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर। सीएस एग्जीक्यूटिव का अलग टेलीग्राम ग्रुप है और सीएस प्रोफेशनल वालों का अलग टेलीग्राम, दोनों का दोनों टेलीग्राम लिंक लाइव चैट में पिन किया हुआ है। और अगर बाय चांस आप उसको एक्सेस नहीं कर सक रहे, सीधा टेलीग्राम में जाओ और MEPL CS एग्जीक्यूटिव लिखो, सर्च मान लो MEPL CS एग्जीक्यूटिव का टेलीग्राम ग्रुप मिल जाएगा। वैसे ही सीधा प्रोफेशनल का ग्रुप ज्वाइन करना है तो MEPL CS प्रोफेशनल लिखो, टेलीग्राम ग्रुप मिल जाएगा। बच्चे बहुत ही फ्रेंडली हैं, एक दूसरे का डाउट सॉल्व करते हैं, हमारे मॉडरेटर्स और मेरे पर्सनल गाइडेंस। चलो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट अस स्टार्ट, लेट अस लॉन्च। गारंटी है कि तुमको डीलिस्टिंग घर में पढ़ना नहीं पड़ेगा, मेरा खाली सेशन देख लोगे तो तुम्हारे पूरे दिमाग में याद करवा देंगे, गारंटी। 2 सेशन लगेगा, दोनों का दोनों सेशन में अपने पूरा डीलिस्टिंग कंप्लीट कर देंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं जनाब, लेट अस स्टार्ट। सेबी डीलिस्टिंग ऑफ इक्विटी शेयर रेगुलेशन 2021, ठीक है? सेबी डीलिस्टिंग ऑफ इक्विटी शेयर, सेबी का डीलिस्टिंग ऑफ इक्विटी शेयर का रेगुलेशन 2021। डीलिस्टिंग मतलब क्या होता है? तुम्हारा स्टॉक एक्सचेंज में जो लिस्टेड शेयर है वहां से हटा लेना, विड्रॉ कर लेना, डीलिस्ट करवा लेना। समझ में आया? जो इक्विटी शेयर ऑलरेडी तुम्हारा लिस्टेड है ना रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज में, वहां से विड्रॉ कर लेना उन इक्विटी शेयर्स को, डीलिस्ट करवा लेना कि भैया अब से पब्लिकली ट्रेड नहीं होगा, मेरा इक्विटी शेयर जो स्टॉक मार्केट में है ना वो पब्लिकली ट्रेड नहीं होगा, मैं उसको डीलिस्ट करवा रहा हूं। अब डीलिस्ट कराने का क्या क्या तरीका हो सकता है बेटा? डीलिस्टिंग वॉलंटरी हो सकता है और कंपल्सरी हो सकता है, ठीक है? डीलिस्टिंग कैन बी वॉलंटरी ऑल्सो एंड कैन बी कंपल्सरी ऑल्सो। कंपल्सरी डीलिस्टिंग नहीं समझ में आता क्या? कंपल्सरी डीलिस्टिंग मतलब तुमने पक्का सेबी का रेगुलेशन को फॉलो नहीं किया होगा, जो RSE है रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज का लिस्टिंग एग्रीमेंट को फॉलो नहीं किया होगा। अगर तुमने सेबी का रेगुलेशन फॉलो नहीं किए, रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज का लिस्टिंग एग्रीमेंट तुमने फॉलो नहीं किया, तो उन लोग तुमको रखेगा कि निकाल देगा? निकाल देगा, कंपल्सरीली डीलिस्ट कर देगा, कंपल्सरीली डीलिस्ट कर देगा।
बीपीएल दे देगा, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा में जो बीपीएल था वो बीपीएल मिल जाएगा, ये मत पूछना बीपीएल क्या होता है, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा देख लो। तो भाई कंपलसरी डिलिस्टिंग समझ में आ गया सर, ठीक है, कंपलसरी डिलिस्टिंग मतलब कि मेरे पास ऑप्शन नहीं है, मेरा मन नहीं चल रहा है, आई वायलेटेड द रेगुलेशन, माय कंपनी हैज वायलेटेड द रेगुलेशन, इसलिए डिलीट किया जा रहा है, वो क्या कंपलसरी डिलिस्टिंग। वॉलंटरी डिलिस्टिंग मतलब ओन मोशन, अपने इच्छा से, कंपनी वॉलंटरीली डिलिस्टिंग कर रहा है मतलब अपने इच्छा से डिलिस्टिंग कर रहा है, कोई फोर्स नहीं किया है, लेकिन प्रमोटर लोग का मन है कि यार पब्लिकली ट्रेड नहीं करेंगे आप शेयर्स, इसको ना क्लोजली हेल्ड रखेंगे तो डिलिस्ट करवा लेते हैं। तो वॉलंटरी डिलिस्टिंग का बेटा तीन तरीका होता है, वॉलंटरी डिलिस्टिंग का बेटा तीन तरीका होता है, या तो आप सारे स्टॉक एक्सचेंज से वॉलंटरी डिलिस्ट करवा ले रहे हो, वॉलंटरी डिलिस्टिंग फ्रॉम ऑल द स्टॉक एक्सचेंजेस, मतलब अगर मेरा शेयर बीएससी एनएसई में लिस्टेड है मैं दोनों जगह से डिलिस्ट करवा ले रहा हूं, जहां जहां मेरा शेयर लिस्टेड है हर एक स्टॉक एक्सचेंज से मैं डिलिस्ट करवा ले रहा हूं। वॉलंटरी डिलिस्टिंग का पहला तरीका क्या है, वॉलंटरी डिलिस्टिंग फ्रॉम ऑल द स्टॉक एक्सचेंजेस। दूसरा केस क्या है बेटा, दूसरा केस क्या है वॉलंटरी डिलिस्टिंग का, कि ऐसे तो मैं बहुत सारे स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड हूं, ठीक है, लेकिन मैं अपने आप को डिलिस्ट करा रहा हूं, डिलिस्ट करवा रहा हूं from few of the stock exchanges, ठीक है, मैं voluntary delisting करवा रहा हूँ from few of the stock exchanges, but I will be continuing my listing in at least one recognized stock exchange जिसका nationwide terminal है। कुछ stock exchange से मैं delist कर रहा हूँ अपने आप को, लेकिन एक ऐसा, कम से कम एक ऐसा RSE में मैं listed रखूँगा अपना equity share को जिसका nationwide terminal है, जैसे BSE का nationwide terminal है, NSE का nationwide terminal है, तो उनमें से मैं एक जगह अपने आप को listed रखूँ। इसका फायदा ये होता है कि फिर मेरे को एग्जिट अपॉर्चुनिटी नहीं देना पड़ेगा, काय का एग्जिट अपॉर्चुनिटी, ऑलरेडी मैं लिस्टेड है, वो भी एक ऐसा आरएसी में लिस्टेड है जिसका नेशन वाइड टर्मिनल है, तो एग्जिट अपॉर्चुनिटी नहीं देना पड़ता शेयरहोल्डर, बाद बाकी केस में एग्जिट अपॉर्चुनिटी देना पड़ता शेयरहोल्डर। तीसरा होता है वॉलंटरी डिलिस्टिंग ऑफ स्मॉल कंपनी, छोटे मोटे कंपनी, तो वॉलंटरी डिलिस्टिंग ऑफ स्मॉल कंपनी। तो वॉलंटरी डिलिस्टिंग तीन प्रकार का होता है, पहला वाला क्या है, हर स्टॉक एक्सचेंज जहां जहां लिस्टेड है सारे के सारे स्टॉक एक्सचेंज से हम अपने आप को डिलिस्ट करवा ले रहे हैं। दूसरा केस क्या है, दूसरा केस क्या है, दूसरा केस है हम अपने आपको वॉलंटरी डिलिस्ट करा रहे हैं फ्रॉम फ्यू स्टॉक एक्सचेंजेस बट आई विल बी लिस्टेड इन एटलीस्ट वन स्टॉक एक्सचेंज हैविंग नेशनवाइड टर्मिनल। और तीसरा केस क्या है, वॉलंटरी डिलिस्टिंग ऑफ स्मॉल कंपनीज, वॉलंटरी डिलिस्टिंग ऑफ स्मॉल कंपनी। तो ये तीन केस होता है बेटा वॉलंटरी डिलिस्टिंग का, ठीक है ना, एक हो गया वॉलंटरी डिलिस्टिंग फ्रॉम ऑल द एक्सचेंजेस, दूसरा हो गया वॉलंटरी डिलिस्टिंग फ्रॉम कुछ कुछ स्टॉक एक्सचेंज बट कम से कम एक आरएसी में हम लिस्टेड रहेंगे जिसका नेशनवाइड टर्मिनल, तीसरा हो गया वॉलंटरी डिलिस्टिंग ऑफ स्मॉल कंपनी। आज का जो पूरा क्लास है हम लोग सीखने वाले हैं वॉलेंट्री डीलिस्टिंग फ्रॉम ऑल द एक्सचेंजेस, क्या सीखने वाले हैं आज, वॉलेंट्री डीलिस्टिंग फ्रॉम ऑल द एक्सचेंजेस। अगर आप ये सीख गए ना, अगर आप वॉलेंट्री डीलिस्टिंग फ्रॉम ऑल द एक्सचेंजेस सीख गए ना, तो पॉइंट टू और पॉइंट थ्री आपको 10 मिनट में मैं सिखा दूंगा, पॉइंट टू और पॉइंट थ्री 10-15 मिनट में हो जाएगा अगर आप पॉइंट वन सीख गए, क्योंकि पॉइंट वन का ही थोड़ा बहुत पॉइंट्स होगा, थोड़ा बहुत पॉइंट्स होगा पॉइंट टू में, थोड़ा बहुत पॉइंट्स होगा पॉइंट थ्री। बेसिकली तुम्हारा फर्स्ट टाइप जो है ना वॉलंटरी डीलिस्टिंग फ्रॉम ऑल द एक्सचेंजेस वो सबका बाप है, वो सीख जाओगे तो पॉइंट नंबर टू और पॉइंट नंबर थ्री में हम खाली ये बता देंगे यहाँ से ये वाला पॉइंट लिखना है, ये वाला पॉइंट नहीं लिखना है, बस बात खत्म। ओके यस सर, तो सबसे पहले हम लोग आज क्या केस सीखने वाले हैं, प्रोसीजर सीखने वाले हैं कि अगर कोई कंपनी अपना इक्विटी शेयर को वॉलंटरीली डीलिस्ट करवा रहा है, कोई कंपनी अपना इक्विटी शेयर को वॉलंटरीली डीलिस्ट करवा रहा है फ्रॉम ऑल द एक्सचेंजेस, कोई कंपनी अगर अपने आप को वॉलंटरीली डीलिस्ट करवा रहा है फ्रॉम ऑल द एक्सचेंजेस, Let us hit it, guys. Let us hit it. क्या सीखने वाले बेटा? Procedure for voluntary delisting. सारे stock exchange से delist करवा ले. Voluntary delisting from all the exchanges. Okay? Okay? Yes, sir. Let us hit it. Procedure for voluntary delisting. Voluntary delisting from all the exchanges. घबराओ मत, एक एक चीज बहुत बारीकी से मैं सिखाऊंगा। रेगुलेशन नंबर जो है ना उसको इग्नोर कर देना, रेगुलेशन नंबर तुमको एग्जाम में नहीं लिखना है, ठीक है, लेकिन मैं तो टीचर हूं, मैं तो तुम्हें एग्जॉस्टिवली पढ़ाऊंगा, इसलिए नोट्स में रेगुलेशन नंबर लिखा हुआ है, बट रेगुलेशन नंबर चमकाने के लिए तुमको याद नहीं करना है रेगुलेशन नंबर, दैट्स ह्यूमनली नॉट पॉसिबल टू रिमेंबर ईच एंड एवरी रेगुलेशन नंबर। ओके, टोटल 17 पॉइंट है बेटा, ठीक है, टू बी प्रिसाइज टोटल 18 पॉइंट रहेगा बेटा, ठीक है, टोटल 18 पॉइंट्स जो है वो हम आपको देंगे, ये 18 पॉइंट्स को हम लोग एक एक करके जो है क्रैक करेंगे, राइट, सो वी आर गोइंग टू क्रैक टोटल 18 पॉइंट्स, और ये 18 पॉइंट अगर हो गया ना
तुम्हारा खाली तुमको लगेगा फर्स्ट टाइप कवर हुआ है, अभी तो सेकंड टाइप और थर्ड टाइप कवर करना बाकी है। सेकंड टाइप और थर्ड टाइप जो है ना 10 मिनट में कवर हो जाएगा, बिकॉज वो जो 18 पॉइंट रहेगा उसी में से सेकंड पॉइंट और थर्ड पॉइंट। ठीक है सर, पढ़ाइए पढ़ाइए सर, तैयार है हम लोग, बड़ा मजेदार है, बड़ा मजा आएगा, आ जाओ, इंटरेस्टिंग है। वॉलेंट्रीली डिलिस्ट करवा रहे हम लोग फ्रॉम ऑल द स्टॉक एक्सचेंज, हम कहीं पर भी लिस्टेड नहीं रहेंगे, जहां जहां लिस्टेड है हर जगह से हम अपने आपको डिलिस्ट करना चाहते हैं। उसके लिए आपको सबसे पहले करना पड़ेगा, जिस दिन आपके मन में यह ख्याल आ गया कि आप डिलिस्ट करने का सोच रहे हैं, आपको सबसे पहले करना पड़ेगा बेटा इनिशियल पब्लिक अनाउंसमेंट। ठीक है, आईपीए, आईपीए क्या होता है, इनिशियल पब्लिक अनाउंसमेंट बाय द अक्वायरर। अक्वायरर मतलब यहाँ पर प्रमोटर ही होगा ना, प्रमोटर ही डिलिस्ट करने का सोच रहा है, तो कंपनी का जो प्रमोटर है ना वो लोग डिलिस्ट करने का सोच रहा है, देन इन दैट केस आपको करना पड़ेगा इनिशियल पब्लिक अनाउंसमेंट। जैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, मान लो मुकेश भैया सोचे यार 50% से ज्यादा शेयर तो मेरा और मेरे फैमिली के पास आई, यार डिलिस्ट ही करते हैं, यार डिलिस्ट करते हैं। डिलिस्ट करने के लिए क्या होता है ना, टोटल प्रमोटर का शेयर होल्डिंग, ठीक है, टोटल प्रमोटर का शेयर होल्डिंग अलॉन्ग विद पर्सन एक्टिंग इन कॉन्सर्ट, प्रमोटर का शेयर होल्डिंग अलॉन्ग विद पर्सन एक्टिंग इन कॉन्सर्ट, पर्सन एक्टिंग इन कॉन्सर्ट मतलब जो प्रमोटर के साथ मिलजुल करके काम कर रहा है, 90% अगर उन लोग का शेयर होल्डिंग हो जाए तो डिलिस्ट कर सकता है, 90% अगर शेयर होल्डिंग हो जाए तो डिलिस्ट कर सकता है। तो मुकेश भैया अगर कल को सोचे 50-60% है और 20-30% अक्वायर कर ले, 90% हो जाएगा, डिलिस्ट कर देते हैं, अलाउड है। ये प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा, प्रोसीजर फॉर वॉलेंट्री डिलिस्टिंग फ्रॉम ऑल द एक्सचेंजेस। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, एक इनिशियल पब्लिक अनाउंसमेंट देना पड़ेगा। ठीक है, इनिशियल पब्लिक अनाउंसमेंट कौन देगा, अक्वायरर देगा, ऑब्वियस बात है, इनिशियल पब्लिक अनाउंसमेंट कौन देगा, अक्वायरर देगा। ठीक है, तो स्टेप नंबर वन क्या है, कम ऑन गाइस, स्टेप नंबर वन क्या है, इनिशियल पब्लिक अनाउंसमेंट। ये इनिशियल पब्लिक अनाउंसमेंट कौन देता है, अक्वायरर देता है। देखो, अक्वायरर टू मेक आईपीए यानी इनिशियल पब्लिक अनाउंसमेंट, ठीक है, टू वॉलंटरीली डिलिस्ट द इक्विटी शेयर्स ऑफ कंपनी टू ऑल द स्टॉक एक्सचेंजेस वेयर कंपनी शेयर्स आर लिस्टेड। बड़ा सिंपल है, अक्वायरर ये बात कि हम यार वॉलंटरी डिलिस्ट करना चाहते हैं अपने इक्विटी शेयर्स को फ्रॉम ऑल द स्टॉक एक्सचेंजेस, आई वांट टू वॉलंटरीली डिलिस्ट द इक्विटी शेयर्स, I want to voluntarily delist the equity shares from all the stock exchanges. ये बात जो है कि हम अपने आप को voluntarily delist करना चाहते हैं, ये बात जो है बेटा initial public announcement में acquirer यानी promoter सारे के सारे stock exchange लोग को inform कर देगा जहां जहां मेरे equity share listed है। Concept समझ लो, या तुमको खाली heading रखना है initial public announcement by the acquirer। अब अपने आप से पूछो, initial public announcement by the acquirer किसको करेगा, सारे के सारे stock exchange को करेगा जहां पर already हम listed है, क्या करेगा, यही कि हम डिलिस्ट करना चाहते हैं अपने इक्विटी शेयर्स को। ठीक है, और फिर स्टॉक एक्सचेंज को जैसे ये बात प्रमोटर बता देगा, अक्वायरर बता देगा, स्टॉक एक्सचेंज ये बात डिसिमिनेट कर देगा पब्लिक को, स्टॉक एक्सचेंज ये बात अपने वेबसाइट पर पब्लिक को बता देगा, स्टॉक एक्सचेंज से स्प्रेड डिसिमिनेट मतलब स्प्रेड द इन्फॉर्मेशन टू द पब्लिक। अच्छा, कॉपी ऑफ इनिशियल पब्लिक अनाउंसमेंट जो है ना, आईपीए का जो एक कॉपी होता है कंपनी के रजिस्टर्ड ऑफिस पे भी हम लोग जमा कर देंगे। अक्वायरर स्टॉक एक्सचेंज को तो बता ही रहे, विद इन वन वर्किंग डे जिस दिन हम स्टॉक एक्सचेंज को बता दिए, सारे स्टॉक एक्सचेंज को बता दो कि हम वॉलंटरीली डिलिस्ट करना चाहते हैं, वहां से एक वर्किंग डे के अंदर, विद इन वन वर्किंग डे, हम यहाँ पर जितना भी डेज बोलेंगे ना वर्किंग रहेगा, याद रखना। ठीक है, बार बार हम वर्किंग वर्किंग नहीं बोलेंगे, यहाँ पर सारा डेज वर्किंग डेज माना जाएगा, संडे वगैरह काउंट नहीं होगा। सो विद इन वन वर्किंग डे अक्वायरर, विद इन वन वर्किंग डे जिस दिन मैंने स्टॉक एक्सचेंज को बताया, वहां से विद इन वन वर्किंग डे अक्वायरर क्या करेगा, कंपनी के रजिस्टर्ड ऑफिस पर भी नोटिस देगा, कंपनी को भी रजिस्टर्ड ऑफिस पर नोटिस देगा कि हम लोग डिलिस्ट करना चाह रहे हैं। कॉपी ऑफ आईपीए शैल ऑल्सो बी सेल्ड सेंड विद इन वन वर्किंग डे एट कंपनीज रजिस्टर्ड ऑफिस। आईपीए इनिशियल पब्लिक अनाउंसमेंट में क्या रहेगा, यही कि हम लोग डिलिस्ट करना चाह रहे हैं, रीजन भी रहेगा डिलिस्टिंग का कि क्यों डिलिस्ट करना चाह रहे हैं। आईपीए शैल कंटेन द रीजन फॉर डिलिस्टिंग एंड अदर रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन। ये अंदर का याद नहीं करना है, ये मैंने एक्सप्लेन कर रखा है यहाँ पर जो रेगुलेशन 8 बोलता है। या तुमको क्या करना है कि भैया सबसे पहला स्टेप है, 18 स्टेप पढ़ना है हम लोग को, 18 स्टेप है, सबसे पहला स्टेप है आईपीए इनिशियल पब्लिक अनाउंसमेंट बाय द अक्वायरर। किसको करेगा इनिशियल पब्लिक अनाउंसमेंट, अक्वायरर किसको करेगा, इनिशियल पब्लिक अनाउंसमेंट अक्वायरर करेगा, इनिशियल पब्लिक अनाउंसमेंट अक्वायरर करेगा टू ऑल द स्टॉक एक्सचेंजेस, टू ऑल द स्टॉक एक्सचेंजेस वेयर द इक्विटी शेयर्स आर लिस्टेड, टू ऑल द स्टॉक एक्सचेंजेस वेयर द इक्विटी शेयर्स आर लिस्टेड एंड विद इन वन वर्किंग डे इट शैल आल्सो इन्फॉर्म, विद इन वन वर्किंग डे इट शैल आल्सो इन्फॉर्म टू कंपनी एट इट्स रजिस्टर्ड ऑफिस। और आईपीए में क्या लिखा रहेगा, यही कि हम लोग डिलिस्ट करना चाह रहे हैं, और क्यों डिलिस्ट करना चाह रहे हैं, रीजन ऑफ डिलिस्टिंग भी मेंशन करना पड़ेगा। क्लियर है सर? सेकंड स्टेप, यार बिना मर्चेंट बैंकर के कुछ काम होता है क्या बेटा, बता दो भाई बता दो, बिना मर्चेंट बैंकर के कभी कुछ काम हुआ है क्या, नहीं हुआ है। तो मर्चेंट बैंकर अपॉइंट करना पड़ेगा उसको, मैनेजर टू द इशू बोलेंगे, क्या बोलेंगे उसको, मैनेजर टू द इशू। ठीक है, सो अपॉइंटमेंट ऑफ मर्चेंट बैंकर, अपॉइंटमेंट ऑफ मैनेजर टू द ऑफिस, या मैनेजर टू द ऑफर कौन है, मैनेजर टू द ऑफर कौन है, मर्चेंट बैंकर।
प्रायर टू मेकिंग ऑफ आईपीए, आईपीए करने के पहले, आईपीए करने के पहले, बिफोर मेकिंग इनिशियल पब्लिक अनाउंसमेंट, बिफोर मेकिंग इनिशियल पब्लिक अनाउंसमेंट, अक्वायरर शेल अपॉइंट मर्चेंट बैंकर, अक्वायर को मर्चेंट बैंकर अपॉइंट करना पड़ेगा एज अ मैनेजर टू द ऑफर, और वो हमारा एसोसिएट या पार्टनर नहीं होगा। ऐसा नहीं हो कि वो जो मर्चेंट बैंकर है वो भी हमारे साथ मिल करके अक्वायरर है, नहीं, वो हमारा एसोसिएट या पार्टनर नहीं। तो ये तो बड़ा सिंपल है कि हम लोग को मैनेज करने के लिए एक मर्चेंट बैंकर को अपना मैनेजर अपॉइंट करना पड़ेगा, वो भी आईपीए के पहले। फिर बिना बोर्ड और शेयरहोल्डरों के अप्रूवल के तो कुछ काम होना नहीं है, ठीक है। हम लोग डिलिस्ट करना चाह रहे हैं तो पक्का बीओडी का अप्रूवल चाहिएगा, बाईपासिंग बीआर एड बीएम, शेयरहोल्डरों का अप्रूवल चाहिएगा, बाईपासिंग एसआर इंजीएम, हो गया, बस दो टू पॉइंट और हो गया। कम ऑन गाइस, बीओडी का अप्रूवल चाहिएगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का अप्रूवल चाहिएगा, बाईपासिंग बोर्ड रेजोल्यूशन एट बोर्ड मीटिंग। टाइमलाइन भी याद करते जाओ साथ साथ, ठीक है। कंपनी शैल विद इन 21 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ आईपीए, जिस दिन मैंने इनिशियल पब्लिक अनाउंसमेंट कर दिया, जिस दिन कंपनी ने इनिशियल पब्लिक अनाउंसमेंट किया था ना, वहां से 21 डेज के अंदर, वहां से विद इन 21 डेज बीआर एड बीएम पास करना पड़ेगा, विद इन 21 डेज बीआर एड बीएम पास करना। और डायरेक्टर लोग बीआर एड बीएम तभी पास करेगा जब डीलिस्टिंग, डायरेक्टर लोग को जब लग रहा है, डायरेक्टर्स मस्ट बी ऑफ द ओपिनियन कि डीलिस्टिंग से कंपनी का शेयरहोल्डर का फायदा होने वाला है, डीलिस्टिंग इज बेनिफिशियल फॉर द कंपनी शेयरहोल्डर, ऊंचा दाम मिल रहा है कंपनी का शेयरहोल्डर को, उन लोगों का प्राइस का डीलिस्ट कर रहे हैं, मतलब समझ में आ रहा है ना, कंपनी का जो शेयरहोल्डर लोग है उनका शेयर अक्वायरर खरीद ले रहा है ना, डीलिस्ट कैसे होगा, कंपनी का जो शेयरहोल्डर लोग है, पब्लिक शेयरहोल्डर लोग, पब्लिक शेयरहोल्डर लोग का शेयर अक्वायरर खरीद लेगा ऊंचा दाम पर। तो अगर फायदा है पब्लिक शेयरहोल्डर्स को, इफ इट इज बेनिफिशियल टू द शेयरहोल्डर्स ऑफ द कंपनी, डायरेक्टर लोग को ऐसा लग रहा है, तो लोग बीआरएड बीएम पास कर देगा, कितना दिन में, 21 डेज के अंदर, 21 डेज ऑफ आईपीए। फिर शेयरहोल्डर लोग का अप्रूवल लेना पड़ेगा, शेयरहोल्डर लोग का अप्रूवल लेने के लिए आपको टाइम मिला है 45 डेज, भाई 45 डेज कहां से, ऊपर वाला पॉइंट, बीओडी का अप्रूवल मिल गया वहां से 45, जिस दिन आईपीए हुआ वहां से 21 डेज के अंदर बीओडी का अप्रूवल हो, जिस दिन बीओडी का अप्रूवल मिल गया वहां से 45 डेज के अंदर एसआर इंजीएम पास करना, स्पेशल रेजोल्यूशन इन जनरल। अच्छा, लेकिन एसआर इंजीएम मतलब समझ में आता है ना, वोट्स इन फेवर शुड बी एटलीस्ट थ्री टाइम्स ऑफ द वोट्स अगेंस्ट, बिल्कुल सही, एसआर इंजीएम मतलब वोट्स इन फेवर थ्री टाइम्स होना चाहिए ऑफ द वोट्स अगेंस्ट, बट इसमें एक और कंडीशन, जब एसआर इंजीएम हम लोग काउंट कर रहे हैं वोट्स इन फेवर थ्री टाइम्स होना चाहिए ऑफ द वोट्स अगेंस्ट, उसमें तो सभी वोट कर रहे हैं, प्रमोटर शेयरहोल्डर पब्लिक शेयरहोल्डर सब वोट कर रहे हैं, लेकिन जो एसआर इंजीएम पास हो रहा है ना उसमें जो पब्लिक शेयरहोल्डर लोग का वोट है ना वो अलग से भी देखा जाएगा कि जो पब्लिक शेयरहोल्डर्स ने वोट किया है वो ट्वाइस इन फेवर होना चाहिए ऑफ दोस पब्लिक शेयरहोल्डर्स हु हैव वोटेड अगेंस्ट। नॉर्मल एसआर इंजीएम तो पास होना ही है, वोट्स इन फेवर थ्राइस ऑफ द वोट्स अगेंस्ट, उसमें सबका वोट काउंट होगा, प्रमोटर पब्लिक शेयरहोल्डर, ठीक है, सबका वोट काउंट होगा वोट्स इन फेवर, जब हम लोग देखेंगे थ्री टाइम्स ऑफ वोट्स अगेंस्ट है कि नहीं। इसके अलावा हम लोग को एक चीज और चेक करना है, एक चीज और क्या चेक करना है कि जो एसआर पास हुआ है ना उसमें पब्लिक शेयरहोल्डरों का जो वोट इन फेवर है कम से कम ट्वाइस होना चाहिए ऑफ दोस पब्लिक शेयरहोल्डर्स हु हैव वोटेड अगेंस्ट। मतलब अगर 100 वोट अगेंस्ट आया है पब्लिक शेयरहोल्डरों का, 100 वोट अगेंस्ट आया पब्लिक शेयरहोल्डरों का, तो कम से कम 200 वोट पब्लिक शेयरहोल्डरों का फेवर में आया, उस समय प्रमोटरों का वोट मत देखना। तो थ्री टाइम्स ऑफ द वोट अगेंस्ट तो ओवरऑल देखना ही है, उसके अंदर यह भी देखना है कि जो पब्लिक शेयरहोल्डरों का वोट है वो डबल होना चाहिए, कम से कम ट्वाइस होना चाहिए ऑफ द वोट्स अगेंस्ट। तो अप्रूवल ऑफ शेयरहोल्डर कितना दिन में ले लेंगे, 45 डेज के अंदर ले लेंगे, कंपनी शैल विद इन 45 डेज, कंपनी शैल विद इन 45 डेज ऑफ अप्रूवल ऑफ बीओडी ऑब्टेन द अप्रूवल ऑफ शेयरहोल्डर्स, ऑब्टेन द अप्रूवल ऑफ शेयरहोल्डर बाईपासिंग, कम ऑन कम ऑन कम ऑन बाईपासिंग एसआर इंजीएम। अच्छा, ये एसआर इंजीएम बहुत सारे बच्चे ना गलत पढ़ लेते हैं कि एसआर इंजीएम बस खाली लिखाएंगे एसआर इंजीएम, नहीं भाई, आपको ये भी लिखना पड़ेगा थ्रू पोस्टल बैलेट और ई वोटिंग, एसआर इंजीएम फिजिकल मीटिंग नहीं होगा, पोस्टल बैलेट के जरिए होगा या फिर ई वोटिंग होगा। लेकिन इसमें भी याद रखना, वोट्स कास्ट बाय पब्लिक शेयरहोल्डर इन फेवर, वोट्स कास्ट बाय पब्लिक शेयरहोल्डर इन फेवर शुड बी एटलीस्ट टू टाइम्स ऑफ द वोट्स कास्ट अगेंस्ट, क्लियर है, पब्लिक शेयरहोल्डर का वोट कम से कम ट्वाइस होना चाहिए ऑफ द वोट्स कास्ट। चार कंडीशन एकदम दिमाग में बैठ चुका है, क्या क्या चार कंडीशन दिमाग में बैठ चुका है बताओ तो। सबसे पहले क्या था, आपको आईपीए करना है, इनिशियल पब्लिक अनाउंसमेंट, ठीक है, मेरा आपका गारंटी है रे बाबा, आप खाली मेरा लेक्चर देख लो, आपको घर में फिर से रिवाइज करने का दरकार नहीं पड़ेगा, ये मेरा गारंटी है। कंडीशन नंबर वन, टॉपिक का नाम क्या है, वॉलेंटरी डीलिस्टिंग का प्रोसीजर एंड कंडीशंस फ्रॉम ऑल द स्टॉक एक्सचेंज। पॉइंट नंबर वन, मेक इनिशियल पब्लिक अनाउंसमेंट, हु विल मेक इनिशियल पब्लिक अनाउंसमेंट, अक्वायरर, अक्वायरर आईपीए करेगा टू ऑल द स्टॉक एक्सचेंजेस फ्रॉम वेयर इट वॉन्ट्स टू डीलिस्ट, ठीक है, फ्रॉम वेयर इट वॉन्ट्स टू डीलिस्ट, सबको सॉरी स्टॉक एक्सचेंज को अपना इंटेंशन बता देगा ऑफ डीलिस्टिंग। Stock exchange shall disseminate the information to public. Achha. We shall also inform at company's registered office. We shall also send IPA ka copy. Send IPA ka copy to company's registered office within one working. Ho gaya. Ye ho gaya IPA by the acquirer. Makkhan ekdam.
आईपीए बाय द एक्वायरर। लेकिन आईपीए करने के पहले आपको बोला गया एक मैनेजर को रखना पड़ेगा, मैनेजर कौन होगा? मर्चेंट बैंकर, बस बात खत्म। तो कंपनी शैल अपॉइंट, एक्वायरर शैल अपॉइंट, मर्चेंट बैंकर, एक्वायरर शैल अपॉइंट मर्चेंट बैंकर एज अ मैनेजर टू द ऑफर, एक्वायरर शैल अपॉइंट मर्चेंट बैंकर एज अ मैनेजर टू द ऑफर, एज अ मैनेजर टू द ऑफर, वो मर्चेंट बैंकर अपॉइंट पक्का एकदम, वो भी प्रायर टू आईपीए, एंड दैट मर्चेंट बैंकर शुड नॉट बी एसोसिएट, हमारा एसोसिएट नहीं होना चाहिए। फिर तो यार बीओडी का अप्रूवल चाहिएगा, बता कितना दिन के अंदर? विदिन 21 डेज ऑफ आईपीए, विदिन 21 डेज ऑफ मेकिंग आईपीए बीओडी अप्रूवल इज रिक्वायर्ड बाय पासिंग बीआरएडबीएम। फिर विदिन 45 डेज ऑफ बीआरएडबीएम, विदिन 45 डेज ऑफ बीआरएडबीएम शेयरहोल्डर्स अप्रूवल इज रिक्वायर्ड बाय पासिंग एसआरएनजीएम, इन विच पब्लिक शेयरहोल्डरों का जो वोट रहेगा कम से कम ट्वाइस होना चाहिए ऑफ द वोट्स अगेंस्ट बाय द पब्लिक शेयरहोल्डर्स। ये हो गया चार पॉइंट आपका, मक्खन एकदम ठीक है, यहां तक हो गया, चार पॉइंट हो गया। अब आप इन प्रिंसिपल अप्रूवल फाइल करो, ठीक है, फाइल एन एप्लीकेशन, फाइल एन एप्लीकेशन टू रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज, फाइल एन एप्लीकेशन टू रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज फॉर इन प्रिंसिपल अप्रूवल फॉर द प्रपोज्ड डीलिस्टिंग। आरएससी के पास हम लोग, आरएससी के पास हम लोग एप्लीकेशन फाइल करेंगे कि यार हम लोग को डीलिस्ट करना है, अपने आप को डीलिस्ट करना है। सो एप्लीकेशन टू रेलिवेंट आरएससी जहां जहां हम लोग का लिस्टेड है, फॉर इन प्रिंसिपल अप्रूवल, प्रिलिमिनरी अप्रूवल, इन प्रिंसिपल अप्रूवल ऑफ द प्रपोज्ड डीलिस्टिंग, ठीक है सर। ये कितना दिन में फाइल करेंगे? सब ऊपर से कनेक्टेड है, जिस दिन तुम आईपीए किया, आईपीए जिस दिन किया वहां से 21 डेज में बीआरएडबीएम पास करो, जिस दिन बीआरएडबीएम पास किया वहां से 45 डेज के अंदर, वहां से 45 डेज के अंदर एसआरएनजीएम पास किया। अब जिस दिन शेयरहोल्डरों का अप्रूवल मिल गया ना, वहां से 15 दिन में, बेटा जिस दिन शेयरहोल्डरों का अप्रूवल मिल गया ना, जिस दिन एसआर पास हो गया ना, शेयरहोल्डरों का अप्रूवल मिल गया, वहां से 15 दिन में तुमको इन प्रिंसिपल अप्रूवल के लिए फाइल। हाँ, अगर कोई रेगुलेटरी अप्रूवल का वेट कर रहे हो तो रेगुलेटरी अप्रूवल कुछ भी हो सकता है, एनसीएलटी का अप्रूवल कुछ भी हो सकता है, वो मिलेगा whichever is later. Company shall apply for in principle approval to relevant RAC within या तो 15 days of passing of SR, जिस दिन SR पास किया वहां से 15 दिन में, जिस दिन SR पास किया वहां से 15 दिन में तुम preliminary approval के लिए फाइल करोगे, या फिर obtaining other regulatory approvals whichever is later, obtaining other regulatory approvals whichever is later, along with a copy of audit report, audit report का copy के साथ, audit report का copy के साथ याद रखना, copy of audit report भी जमा, ठीक है। तो जिस दिन एसआरएनजीएम पास हुआ ना, वहां से 15 दिन के अंदर, विदिन 15 वर्किंग डेज, हर बार वर्किंग रहेगा, बार बार विदिन 15 वर्किंग डेज सबमिट इन प्रिंसिपल, सबमिट एन एप्लीकेशन टू आरएसी फॉर इन प्रिंसिपल अप्रूवल, इन प्रिंसिपल अप्रूवल दे दो आरएसी मेरे को प्रपोज डीलिस्टिंग का। आरएसी मेरा एप्लीकेशन हाँ या ना कर देगा 15 दिन, आरएसी देख लेगा हम लिस्टिंग एग्रीमेंट कंप्लाई कर रखे हैं तो हाँ बोल देगा, नहीं तो ना बोल देगा। 15 डेज में वो मेरा एप्लीकेशन डिस्पोज करेगा, RAC shall dispose of the application within 15 working days of the receipt. जिस दिन उसको मेरा application मिला, 15 दिन में उसको रफा दफा करेगा। अब एक बात बताओ, सोचो, थोड़ा बुद्धि लगाओ, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, थोड़ा बुद्धि लगाओ। अरे यहां तक क्लियर है ना, पहले मेरे को बता दो, ये पांच पॉइंट क्लियर है ना, फटाफट बता दो दोस्तों, क्या ये पांच पॉइंट क्लियर है, क्या ये पांच पॉइंट क्लियर है, तब तो आगे बढ़े। मक्खन की तरह क्लियर है, याद हो गया ये पांच पॉइंट, क्या पांच पॉइंट था? आईपीए करो, आईपीए के पहले मर्चेंट बैंकर अपॉइंट करो, बीआरएडबीएम जिस दिन आईपीए किया वहां से विदिन 21 डेज बीआरएडबीएम, जिस दिन बीआरएडबीएम पास किया वहां से 45 डेज में एसआरएनजीएम, जिस दिन एसआरएनजीएम पास किया वहां से 15 दिन के अंदर मेक एन एप्लीकेशन फॉर इन प्रिंसिपल अप्रूवल टू आरएसी और वो हम लोग का एप्लीकेशन डिस्पोज कर देगा 15 दिन। ये पांच पॉइंट क्लियर है क्या? फटाफट बताओ दोस्तों, मक्खन की तरह क्लियर है सर, मक्खन की तरह सर क्लियर है, कोई दिक्कत ही नहीं है सर। रिएक्ट करो, रिएक्ट करो, ऐसे मुंह फुला करके मत बैठो, ऐसे नहीं, पॉजिटिव रहो, लाइफ में पॉजिटिव रहो तभी कुछ बड़ा कर सकोगे। चलो पांच पॉइंट हो गया। अरे सुनो ना, अगर डीलिस्टिंग करा रहे हैं भाई तो जो पब्लिक शेयरहोल्डर लोग हैं, जो पब्लिक शेयरहोल्डर लोग हैं जिन लोगों के पास शेयर है, तो उन लोग का शेयर तो खरीदना पड़ेगा ना, तभी ना शेयर डीलिस्ट होगा, है ना। तो भाई अगर उन लोग का शेयर खरीदेंगे तो पैसा लगेगा ना, तो पहले पैसा बंदोबस्त कर लो, एस्क्रो अकाउंट में पैसा जमा कर दो, ओपनिंग ऑफ एस्क्रो अकाउंट, बड़ा सिंपल पॉइंट है, आपको एक एस्क्रो अकाउंट खोलना पड़ेगा शेड्यूल कमर्शियल बैंक। एस्क्रो अकाउंट कहाँ खोलना पड़ेगा? शेड्यूल कमर्शियल बैंक, जिसमें इंटरेस्ट भी देगा बैंक,
तो इंटरेस्ट बियरिंग ओपन एंड इंटरेस्ट बियरिंग, मतलब उसमें जब तक रुपया पड़ा रहेगा ब्याज भी कमाएगा वो, रुपया भी कमाएगा. ओपन एंड इंटरेस्ट बियरिंग, ओपन एंड इंटरेस्ट बियरिंग एस्क्रो अकाउंट इन अ शेड्यूल कमर्शियल बैंक. सर पूरा रुपया भी जमा कर दें और कितना दिन में जमा करें? सर पूरा रुपया भी नहीं जमा करना आपको, आपको पूरा रुपया जमा नहीं करना, अभी 25% ऑफ द टोटल कंसिडरेशन जमा करना, जितना कंसिडरेशन चुकाना है. अरे अक्वायरर पब्लिक शेयर होल्डर लोग से शेयर खरीदेगा तब ना डिलिस्ट होगा, तो जो टोटल कंसिडरेशन है उसका 25% जो है अक्वायरर को एस्क्रो अकाउंट में जमा करना पड़ेगा विदिन 7 working days ऑफ पासिंग ऑफ एसआर एनजीएम. जिस दिन एसआर पास हुआ था वहां से 7 working days. अक्वायरर शैल ओपन एंड इंटरेस्ट बियरिंग एस्क्रो अकाउंट. एस्क्रो अकाउंट में देख लो भैया ये 3 point है. इंटरेस्ट बियरिंग एस्क्रो अकाउंट खोलेगा कहां? खोलेगा इंटरेस्ट बियरिंग एस्क्रो अकाउंट शेड्यूल कमर्शियल बैंक. कितना दिन में खोलेगा? 7 working days. एस्क्रो अकाउंट कितना दिन में खोलना पड़ेगा? विदिन 7 working days. 10 working days ऑफ ऑब्टेनिंग शेयरहोल्डर. जिस दिन शेयरहोल्डर का अप्रूवल मिला वहां से 7 दिन में एस्क्रो अकाउंट खोलो. कितना रुपया जमा करोगे? 25% ऑफ द टोटल कंसिडरेशन, 25% ऑफ द टोटल कंसिडरेशन. टोटल कंसिडरेशन क्या होता है? अरे भाई जितना इक्विटी शेयर आउटस्टैंडिंग है मल्टीप्लाइड बाई जो ऑफर प्राइस है. जितना इक्विटी शेयर आउटस्टैंडिंग है किसके पास? अरे पब्लिक के शेयर होल्डर के पास. तो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर आउटस्टैंडिंग विद पब्लिक शेयर होल्डर, उन्हीं का तो शेयर खरीदेंगे ना. सो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर आउटस्टैंडिंग विद द पब्लिक शेयर होल्डर मल्टीप्लाइड बाई द फ्लोर प्राइस. ठीक है, फ्लोर प्राइस और इंडिकेटिव प्राइस, व्हिचएवर इज हायर. इंडिकेटिव प्राइस क्या होता है और फ्लोर प्राइस क्या होता है? फ्लोर प्राइस वैसे निकाला जाता है जैसे टेक ओवर कोड में अपने सीखे हैं, जब अपने टेक ओवर का ऑफर देते हैं ना, टेक ओवर का ऑफर देते हैं तो प्राइस निकालते हैं, वही वाला फ्लोर प्राइस. इंडिकेटिव प्राइस क्या है? अक्वायरर बोल रहा है कि फ्लोर प्राइस 100 रुपया आया, हम इंडिकेटिव प्राइस जो 101 रखते हैं. फ्लोर प्राइस 100 रुपया आया, इंडिकेटिव प्राइस क्या है? जो आप फ्लोर प्राइस के ऊपर अगर अक्वायरर का मानो, अक्वायरर बड़ा दिल वाला बोला फ्लोर प्राइस 100 रुपया आ रहा है लेकिन हम 101 रुपया देंगे या 110 रुपया देंगे, तो इंडिकेटिव प्राइस. इंडिकेटिव प्राइस जो है वो अक्वायरर अगर चाहे तो ऑफर कर सकता है, नहीं तो नहीं ऑफर करेगा, जो फ्लोर प्राइस है वही रखेगा. लेकिन अगर अक्वायरर बोला नहीं नहीं फ्लोर प्राइस 100 रुपया आ रहा है हम तो 110 रुपया देंगे, तो भाई वो 110 रुपया इंडिकेटिव प्राइस होगा. समझ में आ गया सर? चुप हो जाइए. एस्क्रो अकाउंट में 7 working days के अंदर, जिस दिन एसआर पास हुआ वहां से 7 working day के अंदर एस्क्रो अकाउंट में आपको कितना रुपया जमा करना है? एटलीस्ट 25% ऑफ द टोटल कंसिडरेशन. टोटल कंसिडरेशन कैसे निकालोगे? Number of equity shares outstanding with the public shareholder, number of equity share outstanding with the public shareholder multiplied by क्या बताओ तो? Offer price or indicative price, whichever is there. Okay? ये हो गया escrow account, एकदम सिंपल सा बात. ठीक है, अब आपको क्या करना है? DPA. DPA मतलब डिटेल पब्लिक अनाउंसमेंट. ठीक है, अब बारी है बेटा डिटेल पब्लिक अनाउंसमेंट का. 3 बात याद रखना डिटेल पब्लिक अनाउंसमेंट बेटा, 3 बात याद रखना डिटेल पब्लिक अनाउंसमेंट. पहला बात, ये डिटेल पब्लिक अनाउंसमेंट करोगे कब? जब मेरे को इन प्रिंसिपल अप्रूवल मिल गया. याद है ना इसके पहले वाला एस्क्रो के ऊपर वाला पॉइंट में आरएसी से मेरे को इन प्रिंसिपल अप्रूवल मिलना था, मिल गया ना इन प्रिंसिपल अप्रूवल वहां से विदिन 1 working day. जिस दिन मेरे को इन प्रिंसिपल अप्रूवल मिल गया डीलिस्टिंग करने के लिए आरएसी का, वहां से 1 working day में हम डीपीए करेंगे डिटेल पब्लिक अनाउंसमेंट 3 newspaper में. चुप हो जाए सर, समझ में आ गया? 3 newspaper, इंग्लिश नेशनल, हिंदी नेशनल एंड वर्नैक्युलर न्यूज़पेपर. वर्नैक्युलर न्यूज़पेपर कहां पर, कौन सा वाला लैंग्वेज? वर्नैक्युलर न्यूज़पेपर किस स्टेट का? जिस स्टेट में रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज सिचुएटेड है. 3 newspaper, इंग्लिश नेशनल, हिंदी नेशनल न्यूज़पेपर, वर्नैक्युलर न्यूज़पेपर, वर्नैक्युलर न्यूज़पेपर ऑफ द डिस्ट्रिक्ट वेयर रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज सिचुएटेड. क्लियर है? मक्खन एकदम. और सर ये डिटेल पब्लिक अनाउंसमेंट में करेंगे क्या आप लोग? डिटेल पब्लिक अनाउंसमेंट में इसी का सारा जानकारी देंगे, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू डीलिस्टिंग. ठीक है, सारा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू डीलिस्टिंग. और वो एक कट ऑफ डेट भी बता देंगे, रिकॉर्ड डेट रहता है, रिकॉर्ड डेट बता देंगे, रिकॉर्ड डेट बता देंगे, रिकॉर्ड डेट कि भैया अगर ये फलाना डेट है जिसको यहाँ स्पेसिफाइड डेट बोला जा रहा है, एक डेट स्पेसिफाई कर देंगे जिसको स्पेसिफाइड डेट बोल रहे हैं, उस दिन अगर तुम्हारा नाम हमारे रजिस्टर ऑफ मेंबर में एज अ शेयर होल्डर है तो तुमको ये डीलिस्टिंग ऑफर मिले, तुमको डीलिस्टिंग ऑफर में पार्टिसिपेट करने मिलेगा अगर तुम्हारा स्पेसिफाइड डेट वाले दिन रजिस्टर ऑफ मेंबर में नाम है, रिकॉर्ड डेट टाइप. तो डीपीए में 3 बात याद रखना है. कब करोगे डीपीए? एक दिन के अंदर, जिस दिन मेरे को इन प्रिंसिपल अप्रूवल मिला था वहां से एक दिन में डीपीए करोगे. कितना न्यूज़पेपर में करोगे? 3 newspaper में. क्या रहेगा डीपीए में? ऑल मटेरियल इन्फॉर्मेशन एंड ऑल्सो द स्पेसिफाइड डेट. स्पेसिफाइड डेट इज अ डेट जिस दिन अगर तुम्हारा नाम मेरे रजिस्टर ऑफ मेंबर में है तो तुम डीलिस्टिंग में पार्टिसिपेट कर सकोगे. देखो, अक्वायरर शैल विद इन, कम ऑन गाइस, अक्वायरर शैल विद इन 1 working day of receipt of in principle approval. जिस दिन मेरे को in principle approval मिल गया, वहाँ से एक दिन के अंदर हमको DPA करना पड़ेगा. ठीक है, मेक अ DPA. कहाँ पर DPA करेंगे? 3 newspaper.
इंग्लिश नेशनल, हिंदी नेशनल एंड वर्नैक्युलर न्यूज़पेपर वेयर रेलेवेंट आर एसईसी। अच्छा डीपीए में क्या रहेगा? मटेरियल इन्फॉर्मेशन रहेगा, साफ का साफ मटेरियल इन्फॉर्मेशन रहेगा एंड स्पेसिफाइड डेट भी रहेगा, मटेरियल इन्फॉर्मेशन भी रहेगा एंड स्पेसिफाइड डेट भी रहेगा फॉर डिटरमाइनिंग द नेम्स ऑफ द शेयर होल्डर टू होम द ऑफर लेटर शैल बी, फॉर डिटरमाइनिंग द नेम्स ऑफ द शेयर होल्डर्स। स्पेसिफाइड डेट रहेगा फॉर डिटरमाइनिंग द शेयर होल्डर्स नेम जिनको ऑफर लेटर भेजा जाएगा, हु आर एलिजिबल टू पार्टिसिपेट इन दिस प्रोसेस। पक्का ना एकदम? ये हो गया डीपीए का बात। अब भेजो, अब देखो यार कितना सिंपल सिंपल पॉइंट है। पहले देखो, अब यहां से बहुत सिंपल सिंपल पॉइंट चालू रहेगा बेटा, ठीक है? बट पहले सात स्टेप क्लियर है क्या? एक बार मेरे को बताओ, सात स्टेप क्लियर है क्या? स्टेप नंबर वन क्या था सर? स्टेप नंबर वन, मेक एन आईपीए, इनिशियल पब्लिक अनाउंसमेंट। इनिशियल पब्लिक अनाउंसमेंट कौन करेगा? सर अक्वायरर शैल मेक इनिशियल पब्लिक अनाउंसमेंट टू ऑल द स्टॉक एक्सचेंजेस फ्रॉम वेयर इट वांट्स टू डिलीज द इक्विटी शेयर्स एंड स्टॉक एक्सचेंज will disseminate the information to the public and within one working day it shall also be informed to company's registered office along with the reason of delisting. IPA will also contain the reason of delisting and other relevant detail. Yogi IPA ka baat before making IPA, point number 2 kya bolta hai? Prior to making of IPA, prior to making an initial public announcement, acquirer shall appoint manager to the delisting offer. Acquirer shall appoint a manager. Kaun rahega manager? Merchant banker. To merchant banker appoint kar lo bhai, jo associate nahi rahe. फिर तो दो टो अप्रूवल है। जिस दिन आपने आईपीए किया विद इन 21 डेज पास बीआर एट बीएम टू टेक बीओडी से अप्रूवल, जिस दिन बीआर एट बीएम पास हो गया वहां से विद इन 45 डेज, देखो आईपीए किया वहां से 21 डेज में बीआर एट बीएम पास करो, जिस दिन बीआर एट बीएम पास किया वहां से 45 डेज के अंदर एसआरएन जीएम पास करो और उसमें भी वोट्स इन फेवर ऑफ द पब्लिक शेयर होल्डर शुड बी एटलीस्ट ट्वाइस द वोट्स अगेंस्ट कास्ट बाय द पब्लिक शेयर होल्डर। फिर जिस दिन आपने बेटा जिस दिन आपने एसआरएन जीएम पास कर दिया ना, जिस दिन आपने क्या पास कर दिया एसआरएन जीएम, वहां से 15 दिन के अंदर मेक एन एप्लीकेशन टू रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज फॉर इन प्रिंसिपल अप्रूवल फॉर द प्रपोज्ड डिलिस्टिंग। जिस दिन एसआरएन जीएम पास हुआ वहां से 15 दिन के अंदर मेक एन एप्लीकेशन टू रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज फॉर इन प्रिंसिपल अप्रूवल फॉर द प्रपोज्ड डिलिस्टिंग, और वो स्टॉक एक्सचेंज हमारा एप्लीकेशन को डिस्पोज कर देगा विद इन 15 डेज। हम लोग एसआर पास हुआ वहां से 15 दिन में अप्लाई करेंगे प्रपोज डीलिस्टिंग के लिए इन प्रिंसिपल अप्रूवल के लिए, और वो 15 दिन में स्टॉक एक्सचेंज हम लोग को अप्रूवल दे देगा या रिजेक्ट कर देगा। सिक्स पॉइंट क्या था? एस्क्रो अकाउंट खोलना यार। जिस दिन एसआर इंडियन पास हुआ ना वहीं से 7 दिन में बेटा, वहीं से 7 दिन में हम लोग को एक एस्क्रो अकाउंट खोलना पड़ेगा शेड्यूल कमर्शियल बैंक में, जिसमें वी हैव टू डिपॉजिट एटलीस्ट 25% मनी हैज टू बी डिपॉजिटेड ऑफ द टोटल कंसिडरेशन, और फिर सातवां पॉइंट तो डीपीए का ही। जिस दिन इन प्रिंसिपल अप्रूवल मिल गया था, वहां से एक दिन के अंदर तुमको डिटेल पब्लिक अनाउंसमेंट करना पड़ेगा। कहां करोगे? 3 न्यूज पेपर पूरा डीलिस्टिंग के बारे में समझा दो। हो गया 7 पॉइंट। अब बड़ा सिंपल है। अब भैया चेहरा क्या देख रहे हो, मुंह क्या देख रहे हो? चलो चालू करो ऑफर लेटर भेजना। अक्वायर शैल डिस्पैच ऑफर लेटर। अक्वायर जो है ना ऑफर लेटर सारे शेयरहोल्डर को, पब्लिक शेयरहोल्डर को डिस्पैच कर दे। वो पब्लिक शेयरहोल्डर जिनका नाम स्पेसिफाइड डेट पर हमारे रजिस्टर मेंबर में है, उनको ऑफर लेटर डिस्पैच कर दो। सर कितना दिन में? जिस दिन डीपीए किया वहां से 2 दिन। तो अक्वायरर जो है ना ऑफर लेटर डिस्पैच कर देगा, बहुत सिंपल, अक्वायर ऑफर लेटर डिस्पैच कर देगा किसको? ऑल द पब्लिक शेयरहोल्डर विद इन 2 डेज ऑफ डीपीए। जिस दिन डीपीए किया, अभी ऊपर में किया था ना डीपीए, वहां से 2 दिन में सारे पब्लिक शेयरहोल्डर को ऑफर लेटर डिस्पैच कर देगा। और ये जो ऑफर लेटर का कॉपी है ना, ये कंपनी अपने वेबसाइट पर भी डालेगा, मर्चेंट बैंकर भी अपने वेबसाइट पर डालेगा। कॉपी ऑफ ऑफर लेटर कैन बी एक्सेस, कॉपी ऑफ ऑफर लेटर कैन बी एक्सेस फ्रॉम वेबसाइट ऑफ द कंपनी एज वेल एज मर्चेंट बैंकर। ऑफर लेटर डिस्पैच कर दिया, फिर ना बिडिंग चालू होगा। बिडिंग क्या? अरे बुक बिल्डिंग होता है, यहाँ पर रिवर्स बुक बिल्डिंग प्रोसेस बोलते हैं। यहाँ भी बिडिंग होता है, जैसे आईपीओ के समय भी बिडिंग होता है ना, बुक बिल्डिंग होता है ना, वैसे यहाँ पर भी बिडिंग होता है। यहाँ बिडिंग क्या चीज का हो रहा है? यहाँ शेयर होल्डर लोग बिड कर रहा है कि कितना भाव पर शेयर बेचेगा। यहाँ शेयर होल्डर पब्लिक शेयर होल्डर लोग बिडिंग कर रहा है, पब्लिक शेयर होल्डर लोग बिडिंग कर रहा है कि भाई कितना भाव पर उन लोग अपना शेयर बेचेगा। आईपीओ का जो बुक बिल्डिंग होता है वहां कितना भाव पर खरीदेगा, पब्लिक कितना भाव पर खरीदेगा आईपीओ, वो बुक बिल्डिंग होता है। लेकिन यहां पब्लिक जो बिड कर रहा है कितना भाव पर बेचेगा, इसलिए इसको बोलते हैं रिवर्स बुक बिल्डिंग, रिवर्स बुक बिल्डिंग, क्योंकि यहां बेचेगा पब्लिक तो रिवर्स बुक बिल्डिंग।
ठीक है, तो कमेंसमेंट ऑफ बिडिंग मैकेनिज्म, बिडिंग पीरियड शैल स्टार्ट 7 वर्किंग डेज ऑफ डीपीए। तो बेटा डीपीए से ही काउंट कर रहे हैं अभी हम लोग, डीपीए से 2 दिन के अंदर तुमने ऑफर लेटर भेज दिया। हाँ सर, डीपीए से 2 दिन के अंदर हमने ऑफर लेटर भेज दिया सर। सर बिडिंग चालू करवाइए सर, डीपीए से 7 दिन में बिडिंग चालू हो जाना चाहिए बेटा, और 5 दिन तक खुला रहेगा बिडिंग, 5 दिन तक खुला रहेगा, 1-2 दिन नहीं, 5 दिन खुला रहेगा। तो डीपीए से 2 दिन के अंदर, डीपीए से 2 दिन के अंदर ऑफर लेटर डिस्पैच कर दो। कर दिया सर, डीपीए से 2 दिन में ऑफर लेटर डिस्पैच कर दिया, डीपीए से ही 7 दिन के अंदर, डीपीए से 7 दिन के अंदर बिडिंग खुलवाइए और खुला रहेगा 5 दिन बिडिंग। टेंडरिंग ऑफ शेयर समझ में आ रहा है? अब जो पब्लिक शेयरहोल्डर लोग को अच्छा लग रहा है ऑफर प्राइस, उन लोग अपना शेयर टेंडर करेगा, बेचेगा, बेचने के लिए ऑफर करेगा कि भाई हम इंटरेस्टेड है। तो इक्विटी शेयर शैल बी टेंडर बाय द, टेंडर मतलब ऑफर्ड बाय द पब्लिक शेयरहोल्डर्स टू स्टॉक एक्सचेंज मैकेनिज्म, जो स्टॉक एक्सचेंज मैकेनिज्म ऑफ सेबी है उसके थ्रू इन लोग टेंडर करेगा अपना शेयर्स। रिवर्स बुक बिल्डिंग प्रोसेस, वही तो बता रहे हैं कि मर्चेंट बैंकर शैल इंश्योर, मर्चेंट बैंकर का जिम्मेदारी रहेगा कि पब्लिक शेयरहोल्डर्स आर गिवन द राइट टू पार्टिसिपेट इन दिस प्रोसेस। एवरी पब्लिक शेयरहोल्डर गेट्स द राइट टू पार्टिसिपेट इन द रिवर्स बुक बिल्डिंग प्रोसेस, मतलब वो बिड दे सक रहा है कि भैया हमको इतना में बेचना है। डिस्कवर्ड प्राइस, सुनो अब डिस्कवर्ड प्राइस क्या है, सुनो जनाब डिस्कवर्ड प्राइस क्या, डिस्कवर्ड प्राइस क्या सुन लो। एक तो फ्लोर प्राइस, अच्छा फ्लोर प्राइस क्या हम पहले बता दिए थे जो टेक ओवर कोड में अपने सीख रखे हैं, रेगुलेशन 8 ऑफ टेक ओवर रेगुलेशन। डिस्कवर्ड प्राइस क्या सुन लो यार, एक तो फ्लोर प्राइस, ठीक है एक फ्लोर प्राइस, दूसरा बेटा, दूसरा आफ्टर फिक्सेशन ऑफ द फ्लोर प्राइस द डिस्कवर्ड प्राइस इज डिटरमाइंड थ्रू रिवर्स बुक बिल्डिंग प्रोसेस। वो तो फ्लोर प्राइस था, मिनिमम प्राइस था, अब लोग उसके ऊपर भी बिड कर रहे हैं। अरे रिवर्स बुक बिल्डिंग प्रोसेस में और क्या हो रहा है, रिवर्स बुक बिल्डिंग प्रोसेस में यही तो हो रहा है कि पब्लिक शेयरहोल्डर लोग बिड कर रहे हैं कितना में बेचेगा, ठीक है। तो जो फ्लोर प्राइस था उसके ऊपर डिस्कवर्ड प्राइस आया, कितना में बेचेगा उन लोग जो बिड किया तो डिस्कवर्ड प्राइस आया। अच्छा अक्वायरर भी एक इंडिकेटिव प्राइस बोल सकते हैं, हम बताए थे ना तुमको फ्लोर प्राइस मान लो 100 रुपया था, अक्वायरर बोला नहीं 100 नहीं हम तो 110 देना पसंद करेंगे। अक्वायरर अगर फ्लोर प्राइस के ऊपर कोई प्राइस ऑफर कर रहा है उसको बोलते हैं इंडिकेटिव प्राइस। ध्यान से सुन, बहुत ध्यान से सुन। अब जो डिस्कवर्ड प्राइस आया ना अगर वो एक्सेप्टेबल नहीं है अक्वायरर, क्यों एक्सेप्टेबल नहीं है सर अक्वायरर को, मान लो फ्लोर प्राइस 100 रुपया था, फ्लोर प्राइस 100 रुपया था, इंडिकेटिव प्राइस 110, फ्लोर प्राइस 100 रुपया था, इंडिकेटिव प्राइस 110 था, इंडिकेटिव प्राइस अक्वायरर के पास राइट है कि वो फ्लोर प्राइस के ऊपर रख सकता है। अक्वायरर बड़ा दिल वाला बोला फ्लोर प्राइस 100 रुपया है, हम 110 इंडिकेटिव प्राइस। लेकिन जब बुक बिल्डिंग होना, रिवर्स बुक बिल्डिंग में शेयर होल्डर जो पब्लिक शेयर होल्डर लोग बिडिंग किया ना, बाप रे बाप, उसमें जो प्राइस निकल करके आया सामने डिस्कवर्ड प्राइस, वो डिस्कवर्ड प्राइस निकल करके आया है भगवान 120 रुपया। अब अक्वायरर के पास ऑप्शन, अक्वायरर के पास ऑप्शन, पहले तो फ्लोर प्राइस और इंडिकेटिव प्राइस व्हिचएवर इज हायर निकालो, फ्लोर प्राइस और इंडिकेटिव प्राइस व्हिचएवर इज हायर कितना है 110, मतलब 110 अक्वायरर पहले ही बोल चुका था हम 110 रुपया पर शेयर तक दे देंगे। लेकिन डिस्कवर्ड प्राइस क्या हुआ, डिस्कवर्ड प्राइस 120 रुपया आया। अब अक्वायरर अगर चाहे ऑप्शन, अक्वायरर के पास ये डिस्कवर्ड प्राइस 120 ज्यादा है, एक्सेप्ट कर सकता है या रिजेक्ट भी कर सकता है। रिजेक्ट मतलब काउंटर ऑफर दे देगा कि नहीं भैया 120 हम नहीं देंगे 110 ही देंगे, काउंटर ऑफर दे देगा, या फिर रिजेक्ट ही कर देगा कि हमको डिलिस्टिंग करवानी नहीं है, भाड़ में क्या डिलिस्टिंग, 120 देंगे बात नहीं देंगे, डिलिस्टिंग नहीं कराना, रिजेक्ट। या तो अक्वायरर 120 जो डिस्कवर्ड प्राइस है वो एक्सेप्ट भी कर सकता है, रिजेक्ट भी कर सकता है, अक्वायरर के पास ऑप्शन। लेकिन अगर मान लो ये डिस्कवर्ड प्राइस 120 नहीं आता, 110 ही आता या उससे भी कम आता, डिस्कवर्ड प्राइस 110 या उससे कम आता, तब अक्वायरर के पास ऑप्शन नहीं है, तब अक्वायरर के लिए कंपलसरी है ये एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा डिस्कवर्ड प्राइस, क्योंकि फ्लोर प्राइस और इंडिकेटिव प्राइस व्हिचएवर इज हायर 110 था, ये तो उसके अंदर ही है डिस्कवर्ड प्राइस या बराबर ही है। तो अगर डिस्कवर्ड प्राइस, अगर डिस्कवर्ड प्राइस बराबर है या कम है फ्लोर प्राइस और इंडिकेटेड प्राइस से, तो मेरे को एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा ये डिस्कवर्ड प्राइस। लेकिन अगर डिस्कवर्ड प्राइस इन लोग से भी ज्यादा है तो मेरे पास ऑप्शन है, मैं एक्सेप्ट भी कर सकता हूं, रिजेक्ट। इन केस डिस्कवर्ड प्राइस इज नॉट एक्सेप्टेबल टू अक्वायरर, ही कैन मेक अ काउंटर ऑफर टू पब्लिक शेयरहोल्डर 2 दिन के अंदर, जिस दिन बिडिंग क्लोज हुआ वहां से 2 दिन में हम काउंटर ऑफर देंगे। काउंटर ऑफर नेक्स्ट क्लास में आएगा, अभी यहां देखो मिनिमम नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स टू बी अक्वायर्ड, मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया था कि भैया कम से कम 90% इक्विटी शेयर अक्वायर करना पड़ेगा, मिनिमम नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स पहले तो बता दिया था, एटलीस्ट 90% ऑफ द टोटल इशूड शेयर्स शुड बी द पोस्ट ऑफर, मतलब ऑफर के बाद जो अक्वायरर का शेयर होल्डिंग रहेगा, अक्वायरर का शेयर होल्डिंग रहेगा
along with the person acting in concert, जो हम लोग का shareholding हो जाएगा, वो 90% हो जाना चाहिए of the issued shares. At least 90% of the total issued shares should the post offer promoter का shareholding along with the person acting in concert. Acquirer accept भी कर सकता है, reject भी कर सकता है discount price. यही तो मैंने अभी बताया आपको. यही चीज मैंने ऑलरेडी आपको समझा दिया. देखो एक बार, अगर डिस्कवर्ड प्राइस, देखो अक्वायरर एक्सेप्ट भी कर सकता है रिजेक्ट भी कर सकता है. अक्वायर कैन एक्सेप्ट और रिजेक्ट द डिस्कवर्ड प्राइस. डिस्कवर्ड प्राइस जो है ना लेस देन इक्वल टू डिस्कवर्ड प्राइस. अरे वाह, डिस्कवर्ड प्राइस तो सस्ता आया, कम आया या बराबर आया? ऑफर प्राइस और इंडिकेटिव प्राइस विच एवर इज हायर. याद है फ्लोर प्राइस? फ्लोर प्राइस मेरे समय याद है 100 रुपया था, इंडिकेटिव प्राइस 110 था. तो भाई पहले तो तुम मेरे को बता फ्लोर प्राइस और इंडिकेटिव प्राइस. फ्लोर प्राइस 100 रुपया, इंडिकेटिव प्राइस 110, विच एवर इज हायर क्या 110? अब अगर डिस्कवर्ड प्राइस 110 या उससे भी कम है, अक्वायरर बाउंड, अक्वायरर इज बाउंड टू एक्सेप्ट. ये वाला कांसेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ बताओ? फ्लोर प्राइस 100 रुपीस था, लेकिन अक्वायरर बोला हम 110 तक दे देंगे, इंडिकेटिव प्राइस 110, व्हिचएवर इज हायर निकालो, व्हिचएवर इज हायर निकालो 110. डिस्कवर्ड प्राइस जो हुआ ना रिवर्स बुक बिल्डिंग प्रोसेस से जो प्राइस डिस्कवर हुआ वो 110 या उससे कम ही, तब तो मैं बाउंड हूं ना ये ऑफर एक्सेप्ट करने के लिए. लेकिन अगर उल्टा हुआ, डिस्कवर्ड प्राइस जैसे मैंने बताया 120 आ गया, डिस्कवर्ड प्राइस इन लोग से भी ज्यादा आ गया, अरे बाप, तब अक्वायरर मैं एक्सेप्ट भी कर सकता हूँ या मैं काउंटर ऑफर भी दे सकता हूँ. काउंटर ऑफर कितना दिन में बोले थे देंगे? 2 working days. जिस दिन बिडिंग बंद हुआ वहां से 2 दिन, जिस दिन बिडिंग बंद हुआ वहां से 2 दिन. क्लियर है बेटा? ये वाला कंसेप्ट समझ में आया ना, डिस्कवर्ड प्राइस वाला? मक्खन की तरह क्लियर है बेटा? तो लास्ट का 5 पॉइंट तो बड़ा सिंपल था यार, एक बार वापस रिवाइज कर लो. तो लास्ट का 5 पॉइंट, 0.7 तक हो चुका था, 0.8, 9, 10, 11, 12, ये 5 पॉइंट एक बार हम फिर से बता दे रहे हैं. अक्वायरर ऑफर लेटर डिस्पैच किया, जिस दिन डीपीए किया ना भाई, जिस दिन डीपीए किया वहां से 2 दिन में ऑफर लेटर डिस्पैच कर दो. टाइमलाइन याद हो जाएगा बार बार ही. जिस दिन डिटेल पब्लिक अनाउंसमेंट किया वहां से 2 दिन में, जिस दिन डीपीए किए वहां से 2 दिन में ऑफर लेटर डिस्पैच कर दो. सर कर दिया सर ऑफर लेटर डिस्पैच टू द पब्लिक शेयरहोल्डर. बिडिंग चालू कराओ, पब्लिक शेयरहोल्डर लोग बिड कर सके, कितना में बेचना चाहता है. 7 दिन में बिडिंग चालू हो जाना चाहिए. अच्छा, जिस दिन बिडिंग चालू होगा 5 दिन चालू. मर्चेंट बैंकर मेक श्योर करेगा कि पब्लिक शेयरहोल्डर लोग रिवर्स बुक बिल्डिंग प्रोसेस में पार्टिसिपेट कर सके, और फिर उन लोग अपना शेयर टेंडर कर देगा. शेयर टेंडर कर देगा, प्राइस डिस्कवर हो जाएगा. ठीक है, प्राइस डिस्कवर हो जाएगा और फिर मिनिमम 90% इक्विटी शेयर जो है प्रमोटर का शेयरहोल्डिंग हो जाना चाहिए पोस्ट ऑफर. और फिर वो कंपैरिजन बता देना कि अगर डिस्कवर्ड प्राइस जो है वो बराबर है या कम है. डिस्कवर्ड प्राइस बराबर है या कम है ऑफर प्राइस और इंडिकेटिव प्राइस व्हिच एवर इज हायर. अरे यार, डिस्कवर्ड प्राइस बराबर है या कम है, देन द फ्लोर प्राइस और इंडिकेटिव प्राइस व्हिच एवर इज हायर. अगर डिस्कवर्ड प्राइस कम है या बराबर है तब तो अक्वायर बाउंड है, ऑफर एक्सेप्ट करेगा. लेकिन अगर डिस्कवर्ड प्राइस ज्यादा है तो अक्वायरर एक्सेप्ट भी कर सकता है, रिजेक्ट भी कर सकता है, काउंटर ऑफर भी कर सकता है. फिर से एक बार सुन लो, 14 पॉइंट तक हो गया ना, 0.7 तक याद हो गया था डीपीए तक. फिर डीपीए से दो दिन में क्या करेगा? डीपीए से 2 दिन में ऑफर लेटर भेजे. सर डीपीए से 2 दिन में ना ऑफर लेटर भेजेंगे सर सारे पब्लिक शेयरहोल्डर लोग को, और बिडिंग चालू कराइए सर. बिडिंग चालू हो जाएगा 7 working days में और बिडिंग कंटिन्यू होगा 5 working days के लिए. जो इंटरेस्टेड शेयरहोल्डर लोग रहेगा उन लोग अपना शेयर टेंडर कर सकता है, डिलिस्टिंग के लिए अपना शेयर टेंडर कर सकता है. मर्चेंट बैंकर शैल मेक श्योर दैट पब्लिक शेयरहोल्डर्स आर गेटिंग द राइट टू पार्टिसिपेट इन द बिडिंग प्रोसेस, और रिवर्स बुक बिल्डिंग प्रोसेस से प्राइस डिस्कवर किया जाएगा. डिस्कवर्ड प्राइस हो गया, ठीक है, डिस्कवर्ड प्राइस तक निकाल दिए. मिनिमम इक्विटी शेयर्स कितना अपने को अक्वायर करना पड़ेगा? प्रमोटर का जो शेयर होल्डिंग रहना चाहिए अलॉन्ग विद द पीएसी, प्रमोटर शेयर होल्डिंग अलॉन्ग विद पीएसी एटलीस्ट 90% होना चाहिए. प्रमोटर का शेयर होल्डिंग अलॉन्ग विद पीएसी शुड बी एटलीस्ट 90%. Should be at least 90% of the issued shares. है ना? और फिर वो डिस्कवर्ड प्राइस से कंपैरिजन कर देना. अगर डिस्कवर्ड प्राइस विद इन ऑफर प्राइस इंडिकेटिव प्राइस है तब तो अक्वायर बाउंड है, लेकिन अगर डिस्कवर्ड प्राइस ज्यादा है तो अक्वायर बाउंड नहीं है. वो काउंटर ऑफर भी दे सकता है, रिजेक्ट भी कर सकता है, एक्सेप्ट भी कर सकता है. मान लो 90% प्रमोटर का शेयर होल्डिंग नहीं हुआ, 90% प्रमोटर का शेयर होल्डिंग नहीं हुआ, या फिर डिस्कवर्ड प्राइस अक्वायर रिजेक्ट कर दिया, बोला भाग यहां से, इतना रुपया मैं नहीं देगा, डिस्कवर्ड प्राइस बहुत ज्यादा है. तो या तो 90% शेयरहोल्डिंग अचीव नहीं हुआ, 90% शेयरहोल्डिंग अचीव नहीं हुआ प्रमोटर लोग का, या फिर डिस्कवर्ड प्राइस इज रिजेक्टेड बाय द अक्वायर. तो फिर तो डीलिस्टिंग फेल हो गया.
तो जो शेयर टेंडर किया गया था उसको रिलीज कर दो, जो जो कुछ पब्लिक शोल्डर लोग तेरे को शेयर टेंडर किया था उन लोगों का शेयर छोड़ वापस कर, उन लोगों को रिलीज कर, रिलीज ऑफ शेयर इन केस ऑफ फेलियर ऑफ द ऑफर, बड़ा सिंपल है, कोई झोल है ही नहीं, तुमको रिलीज करना पड़ेगा शेयर्स इन केस ऑफ फेलियर ऑफ द ऑफर। अगर ऑफर फेल हो गया, ऑफर अगर फेल हो गया, रिलीज द शेयर्स ऑफ दोस पब्लिक शोल्डर्स हु हैव टेंडर्ड देयर शेयर्स इन द ऑफर। फेल हो गया तो वापस कर दो शेयर, और अगर ऑफर सक्सेस हो गया तो पेमेंट कर भाई, ए भाई पेमेंट कर। अगर ऑफर सक्सेस हो गया तो जितने भी पब्लिक शोल्डर थे, जितने भी पब्लिक शोल्डर लोग थे उनको पे कर दिया जाएगा डिस्कवर्ड, ठीक है, या फिर अगर अक्वायरर और ज्यादा हायर प्राइस डिटरमाइन के तो हायर प्राइस। तो फेल और सक्सेस से दो पॉइंट हो गया। फेल है तो जो उन लोग का शेयर था वो फेल, अगर है ऑफर फेल है तो जो शेयर उन्होंने टेंडर किया है वो वापस कर दो, और अगर सक्सेस है तो पैसा दे भाई, फाइनली एक फाइनल खत्म, बस खत्म, एक फाइनल एप्लीकेशन कर दो रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज को, फिर डिलीस्ट कर दो, फाइनल एप्लीकेशन कर दो रिकॉग्नाइज। आपको याद है आपने एक प्रिलिमिनरी एप्लीकेशन फाइल किया था, है ना, इन प्रिंसिपल अप्रूवल के लिए, अभी फाइनल डिलिस्टिंग का अप्रूवल के लिए मेक अ फाइनल एप्लीकेशन टू रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज फॉर द फाइनल डिलिस्टिंग अप्रूवल। कितना दिन में पेमेंट पहले कर, पेमेंट हो गया सर तब 5 दिन में तुम फाइनल एप्लीकेशन फाइल करते, जिस दिन पेमेंट कर दिया वहां से 5 वर्किंग डे में रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज को फाइनल डिलिस्टिंग के लिए एप्लीकेशन फाइल, और रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज तो सेम टाइम लेगा 15। जिस दिन हमने पेमेंट कर दिया वहां से 5 दिन में हम लोग एप्लीकेशन फाइल करेंगे आरएसी को और फाइनल डिलिस्टिंग, और वहां से 15 दिन के अंदर, वहां से 15 दिन के अंदर क्या करेंगे, रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज जो है ना हम लोग को अप्रूवल दे देगा और परमानेंटली डिलिस्ट कर। अच्छा, जो 10% रिमेनिंग शेयर होल्डर अगर बच गए थे, जो 10% रिमेनिंग शेयर होल्डर अगर बच गए थे, 10% 90% तो आ गया था ना, अब जो 10% रिमेनिंग शेयर होल्डर, जो पब्लिक शेयर होल्डर रिमेनिंग 10% अगर बच गए थे, 1 साल का समय है, 1 साल के अंदर अगर उन लोग क्लेम करेंगे तो अक्वायरर को उतना ही रुपया देना पड़ेगा जितना रुपया बाकी शेयर होल्डर को, राइट ऑफ रिमेनिंग शेयर होल्डर टू टेंडर इक्विटी शेयर्स टू द अक्वायरर विद इन 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ डिलिस्टिंग। विद इन 1 ईयर डिलिस्टिंग हो गया, वहां से 1 साल के अंदर अगर रिमेनिंग शेयर होल्डर्स, रिमेनिंग पब्लिक शेयर होल्डर्स अपना शेयर टेंडर करेगा तो अक्वायरर को पैसा देना पड़ेगा उतना ही पैसा जितना बाद बाकी लोगों को दिया था, एट द सेम प्राइस एट विच इक्विटी शेयर्स हैव बीन डिलिस्टेड। विद इन 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ डिलिस्टिंग द रिमेनिंग शेयर होल्डर्स कैन टेंडर द शेयर्स एट द सेम प्राइस एट विच द डिलिस्टिंग वाज डन। एक बार जोरदार तालियां दोस्तों, 18 का 18 पॉइंट, जोरदार तालियां, मक्खन की तरह समझ में आ गया होगा, कोई इफ कोई बट नहीं बेटा, बहुत बढ़िया से समझ में आया कि नहीं आया मेरे को बता दो। अभी मैं फिर से रिविजन करा दूंगा 18 पॉइंट का। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो पक्का से लाइक बटन दबा दे। टाइमलाइन एग्जाम में लिखना तो चाहिए लेकिन मैं बता दूं सबके लिए पॉसिबल भी नहीं होता है, इनफैक्ट रैंक होल्डर वाले बच्चे भी सारे के सारे टाइमलाइन नहीं लिख करके आते हैं। जितना हो सके टाइमलाइन याद करने का कोशिश कर, सारा टाइमलाइन याद करना ह्यूमनली पॉसिबल भी नहीं। 18 पॉइंट्स क्लियर है ना मेरे बच्चों को? चलो अब एक बार फिर से हो जाए, हाँ हो जाए सर। स्टेप नंबर 1 क्या करोगे? आईपीए, कम ऑन फोकस फोकस, जस्ट गिव मी 5 मोर मिनट्स, फोकस। सबसे पहले स्टेप नंबर 1 क्या करोगे? मेक इनिशियल पब्लिक अनाउंसमेंट, आईपीए करेंगे टू ऑल द रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंजेस फ्रॉम वेयर वी वांट टू डिलिस्ट आवर शेयर्स अलोंग विद द रीजन ऑफ डिलिस्टिंग, ठीक है, एंड विद इन 1 वर्किंग डे, विद इन 1 वर्किंग डे इट शैल आल्सो बी इन्फॉर्म टू कंपनीज रजिस्टर ऑफिस। स्टेप 2, बिफोर मेकिंग दैट आईपीए कंपनी शैल अपॉइंट मैनेजर दैट इज मर्चेंट बैंकर टू मैनेज द डिलिस्ट ऑफ, एंड मर्चेंट बैंकर शुड नॉट बी एसोसिएट ऑफ द एक्वायरर। Acquirer shall appoint merchant banker associate नहीं रहना चाहिए acquirer का, merchant banker हो गया। फिर तो जिस दिन IPA हुआ ना, जिस दिन IPA हुआ वहां से 21 days में क्या पास करोगे? जिस दिन IPA हुआ वहां से 21 days में क्या पास करोगे? BR@BM। जिस दिन BR@BM पास किया वहां से 45 days में क्या पास करोगे? जिस दिन IPA हुआ वहां से 21 days में BR@BM पास करो। जिस दिन BR@BM पास किया वहां से 45 days में SR&GM पास करो। जिस दिन SR&GM पास किए वहां से, जिस दिन SR&GM पास किया वहां से 15 दिन में, जिस दिन SR&GM पास किया वहां से 15 दिन में इन प्रिंसिपल अप्रूवल के लिए
एप्लीकेशन फाइल कर दो रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज को इन प्रिंसिपल अप्रूवल फॉर डीलिस्टिंग, इन प्रिंसिपल अप्रूवल फॉर प्रपोज्ड डीलिस्टिंग, फाइल एन एप्लीकेशन टू आरएसई, आरएसई 15 दिन लेगा उसको सल्टान। यहां तक सब कुछ क्लियर है? यहां तक सब कुछ क्लियर है? यस सर, बहुत बढ़िया से क्लियर है, बहुत बढ़िया से क्लियर है। फिर क्या करेंगे? फिर तो डीपीए करेंगे ना, बट उसके पहले एस्क्रो तो खोल लो। ये 5 पॉइंट क्लियर है। फिर क्या करेंगे? जिस दिन एसआरएन जीएम पास हुआ वहीं से 7 दिन में, जिस दिन एसआरएन जीएम पास हुआ वहीं से 7 वर्किंग डेज के अंदर एस्क्रो अकाउंट खोलेंगे, और एस्क्रो अकाउंट जो शेड्यूल कमर्शियल बैंक में खोलेंगे उसमें एटलीस्ट 25% ऑफ द टोटल कंसिडरेशन जमा कर, ठीक है? अच्छा, जो इन प्रिंसिपल अप्रूवल हम लोग को मिल गया था ना, इन प्रिंसिपल अप्रूवल, हाँ सर मिल गया था ना रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज से। अब क्या है, अब तो एक दिन के अंदर डीपीए कर, जिस दिन इन प्रिंसिपल अप्रूवल मिल गया आरएसई से वहां से एक दिन के अंदर डिटेल पब्लिक अनाउंसमेंट कर दो। एक दिन में डीपीए करना पड़ेगा, 3 टोन न्यूज़पेपर में कर देना, इंग्लिश नेशनल, हिंदी नेशनल एंड वर्नैक्युलर, जिसमें सारा इन्फॉर्मेशन डीलिस्टिंग के बारे में लिखा हुआ रहेगा अलॉन्ग विद स्पेसिफाइड डेट। फिर यहां से तो एकदम सिंपल है, यहां से तो ट्रांजेक्शन हो रहा है, ट्रांजेक्शन ऑफर लेटर भेज दो। तो डीपीए किए वहां से 2 दिन में, जिस दिन डीपीए किया वहां से 2 दिन में ऑफर लेटर भेज दो। 2 दिन के अंदर बेटा ऑफर लेटर भेज दो सारे पब्लिक शेयर होल्डर्स को हु आर देयर ऑन द स्पेसिफाइड डेट। अब बिडिंग भी खुलवा दो, ऑफर लेटर तो भेज दिए 2 दिन में, 2 दिन में ऑफर लेटर भेज दिए, 7 दिन में बिडिंग खुलाओ, और बिडिंग खुला रहेगा 5 दिन। इंटरेस्टेड पब्लिक शेयर होल्डर अपना शेयर टेंडर करेगा, मर्चेंट बैंकर विल इंश्योर कि यार पब्लिक शेयर होल्डर लोग जो है ना उन लोग ये रिवर्स बुक बिल्डिंग प्रोसेस में पार्टिसिपेट करते हैं, और रिवर्स बुक बिल्डिंग प्रोसेस से डिस्कवर्ड प्राइस निकाला जाएगा, ठीक है ना? डिस्कवर्ड प्राइस निकाल लिया जाएगा। मिनिमम इक्विटी शेयर बता देना भाई 90% जो है प्रमोटर का पोस्ट ऑफर शेयर होल्डिंग हो जाना चाहिए, एटलीस्ट 90% तभी सक्सेसफुल माना जाएगा। और डिस्कवर्ड प्राइस अगर बराबर या कम है, डिस्कवर्ड प्राइस अगर बराबर या कम है फ्लोर प्राइस और इंडिकेटेड प्राइस इट्स योर डिजायर से एक्वायर्स बाउंड, लेकिन अगर डिस्कवर्ड प्राइस ज्यादा है, अगर डिस्कवर्ड प्राइस ज्यादा है तब क्या होगा? डिस्कवर्ड प्राइस ज्यादा है तो हम हाँ भी बोल सकते हैं, काउंटर ऑफर भी दे सकते हैं, रिजेक्ट भी कर सकते हैं। फिर तो फेल या सक्सेस है, फेल अगर हो गया, ऑफर अगर फेल हो गया क्योंकि 90% अचीव नहीं हुआ या डिस्कवर्ड प्राइस बहुत ज्यादा था इसलिए अक्वायरर उसको रिजेक्ट कर दिया, तो शेयर्स जो टेंडर हुआ था उसको रिलीज कर दो, रिलीज कर दो शेयर जो टेंडर हुआ था। और अगर सक्सेस हो गया, फेल नहीं हुआ, सक्सेस हो गया डीलिस्टिंग, तब पैसा दे भाई, पैसा दे, मेक द पेमेंट ऑफ द मनी। अगर सक्सेस हो गया तो मेक द पेमेंट ऑफ द मनी, बस खत्म। फिर क्या मुंह देख रहे हो, खत्म हो गया, मेक अ फाइनल एप्लीकेशन, फाइनल एप्लीकेशन कर दे भाई आरएसई को फॉर फाइनल डीलिस्टिंग, ठीक है? फाइनल एप्लीकेशन कर दो, 5 दिन के अंदर फाइनल एप्लीकेशन कर दो डीलिस्टिंग के लिए, और स्टॉक एक्सचेंज 15 दिन में हम लोग को डीलिस्ट कर देगा। अच्छा, रिमेनिंग शेयर होल्डर जिन्होंने शुरुआत में अपना शेयर टेंडर नहीं किया था, डीलिस्टिंग से एक साल तक दे कैन स्टिल टेंडर देयर शेयर्स एट द डीलिस्टिंग प्राइस टू द एक्वायरर। कमेंट बॉक्स में पक्का से कमेंट करके बताओ ये लेक्चर कैसा लगा। एक और सेशन लेंगे, डीलिस्टिंग खत्म हो जाएगा। वो एक और सेशन कब रहेगा? परसों रहेगा, इसी टाइम पर रहेगा जिस टाइम पर आज हुआ। थैंक यू, लॉट्स ऑफ लव, टेक केयर, बाय बाय। कमेंट बॉक्स में इतना तो कर ही सकते हो यार, जी जान लगा है, ये नोट्स रिसर्च बहुत टाइम लगता है यार, तुमको तो पक्का पकाया मिल गया, कमेंट तो कर दो यार कैसा था लेक्चर, ठीक है? लॉट्स ऑफ लव, टेक केयर, बाय बाय। एंड हमारा न्यू बैचेस ऑफ सीएस एग्जीक्यूटिव स्टार्ट हो रहा है 25th of this month, and as well as professional, के हम लोग के नए recordings, एकदम brand new, ताजा recordings with all the amendments available है. Thank you. www.mablclasses.com. Comment now, how was the lecture? Lots of love. Take care. Bye bye. Surely going to pass. और ये notes telegram group से मिल जाएगा आपको.